हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, SOL के असाइनमेंट वाले बच्चों के लिए जो हॉल टिकट हैं या एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो हॉल टिकट चेक करने के लिए आपको SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर स्टूडेंट डैशबोर्ड का लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज हैं सेकेंड सेमेस्टर में कि भाई हमने क्लास 12 तक पढ़ी थी तो हमको बी मिल गई या सी मिल गई। तो अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट आपका मेंशन है उसी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बनाइए। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत अब आपको नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं एग्ज़ाम रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लू कलर के बॉक्स में UG एडमिशन टिकट फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके कुछ पर्सनल डिटेल दिखाएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल के बाद एग्ज़ाम रोल नंबर और SOL रोल नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। अब जो यहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर मेंशन है वही आपको अपनी असाइनमेंट की शीट पर लिखना है, प्लस SOL का रोल नंबर भी मेंशन है। ठीक है जी, और सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पर मेंशन है, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट हैं और उसका कोड क्या है। अब भाई सब्जेक्ट कोड और एग्ज़ाम पेपर कोड से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है, कंपेयर करके देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर डेट भी मेंशन है, डेट तो खैर आपको पहले ही पता चल गई थी, 25 जून। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों को देख लेना। नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शन हैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आप ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इस एडमिट कार्ड में डेट जो है मेंशन असाइनमेंट की डेट और जो फाइनल डेट शीट वेबसाइट पर आई थी, अगर उन दोनों में कुछ डिफरेंस है तो जो वेबसाइट वाली डेट शीट है वही आपकी फ़ाइनल होगी। ठीक है जी, अच्छा, अगर एडमिट कार्ड में कुछ और आपकी गलती है तो आपको एक ईमेल आईडी ये लोग दे रहे हैं, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ग्रीवेंस वाली ईमेल आईडी है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर एडमिट कार्ड नहीं आ रही आपका तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और बाकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ज़रूर पढ़ लें गाइडलाइन की, और एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर पढ़ लें, ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिशन टिकट, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस ईमेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूशन, अच्छा जी, ये बता रहा है असाइनमेंट जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फिर सेकंड ईयर के लिए हैं, ये सब चीज़ें बता रहे हैं, और ये वन टाइम मेजर है, यानी कि सिर्फ इसी सेशन के लिए हैं ये। ठीक है, अच्छा, बाकी ये बता रहे हैं कि जो बैक पेपर था वो अगले साल होगा। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट हैव टू राइट, अच्छा यही चीज़ है, स्टूडेंट हैव टू राइट आंसर टू एनी टू क्वेश्चन, कितनी दो क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है और दोनों क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल होंगे। ठीक है, और आंसर शीट आपको अलग अलग यूज़ करनी है हर उसके लिए, क्वेश्चन के लिए, सॉरी हर पेपर के लिए। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन पेपर आपके डैशबोर्ड में आएंगे, पॉइंट नंबर 9 ये बोलता है, क्वेश्चन पेपर आपके डैशबोर्ड में आएंगे जिसको आप SOL वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने डैशबोर्ड भी खोल रखा है जहाँ से आप हॉल टिकट देख रहे हो। आंसर आपको A4 साइज पेपर शीट पर लिखना है, और कोशिश ये करनी है कि शीट के एक ही साइड आपको लिखना है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके आपको आंसर लिखना है, और SOL रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड पेपर कोड, आपको ये तीनों चीज़ें उस पर लिखनी है। आप यार इसमें कन्फ्यूज़न है, सब्जेक्ट एंड पेपर कोड, अब ये सब्जेक्ट नाम भी बोल रहे हैं अलग से या सब्जेक्ट एंड पेपर कोड एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है भाई। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है जी, अब नीचे आते हैं, उत्तर पुस्तिका को अपलोड करना, अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट, अच्छा, आंसर शीट को आप लास्ट डेट तक अपलोड कर सकते हैं 6 बजे तक। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लास्ट डेट को ही आपको अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे जैसे आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता जाए आप उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और एक सब्जेक्ट की एक PDF फाइल आपको बनानी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे आपको PDF फाइल बनानी है। जो PWD स्टूडेंट हैं उनको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा 3 स्टडी सेंटर बनाए गए हैं, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में और मोतीबाग में। ये स्टडी सेंटर जो है ये PWD स्टूडेंट के लिए, आप PWD स्टूडेंट जाएँ तो वहाँ पर जाकर अपना असाइनमेंट डाउनलोड या फिर PDF स्कैन करवा सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट विल अपलोड दियर आंसर शीट अकॉर्डिंग टू एडमिशन टिकट एंड एज पर ऑप्शन चूजन बाय देम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है जी, तो ये बोल रहे हैं कि जो एडमिशन टिकट में आपके सब्जेक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट बनाएंगे। ऑल अदर इंस्ट्रक्शन मेंशन इन वेरियस नोटिफिकेशन रिलेटेड टू ABE इशूड बाई SOL एंड द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम शॉल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी कि जो अदर इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पर आती रहती हैं वो भी आपको फॉलो करनी है। इसका चाहो तो प्रिंट ले सकते हो, वैसे प्रिंट लेने की मुझे नहीं लगता ऐसी कोई खास ज़रूरत होगी, क्योंकि इस बार जो एडमिट कार्ड हैं उसको कहीं आपको सबमिट करनी नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो प्रिंट ले सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता प्रिंट लेने की आपको इसकी ज़रूरत है। ठीक है जी, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।